Okay. Hello, repeaters. Today we are going to discuss the prism. And prism में हम लोग already previous class में discuss कर चुके हैं angle minimum deviation कैसे निकाला जाएगा, how to find the minimum deviation. हमारे पास जो formula था previous class में, वो formula ये था कि किसी भी prism में, in prism ठीक है ना, पहला फॉर्मूला दिस इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये फॉर्मूला था. इसमें आप जानते ही हैं एंगल ऑफ डेविएशन है, आई जो है इंसिडेंट एट फर्स्ट फेस एंड आई डैश जो है वो जस्ट इवर्जेंट रे जो है वो जितना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फाइनल फेस मतलब सेकंड फेस, और ये आर ये इंटरनल एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेस, और ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट एट सेकंड फेस. मतलब आप चाहें तो फिगर में से देख सकते हैं कि हमने इस तरह से प्रिज्म बनाया था, तो ये फर्स्ट फेस है और ये सेकंड फेस है, या एंगल ऑफ यहाँ पर के लिए हमने एंगल ये आई लिया था, ये आर लिया, लेकिन फर्स्ट फेस पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, एंगल आर है, एंगल ठीक है. यहाँ पर नॉर्मल खींची तो ये एंगल यहाँ का आर डैश है, ये फाइनल मिलेगा ये आई डैश. कुछ लोग आइडियस को ई भी कहता है, ई का मतलब होता है इमरजेंट, इमरजेंट है जो नॉर्मल के साथ होता है. मतलब आप चाहे तो वी कैन से आइडियस बराबर ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी अपनी हैबिट होती है. मेरी हैबिट यही है कि हम इसी तरह से लिखते हैं आई प्लस आइडियस माइनस प्लस आर डैस, ठीक है ना. हम ई ये स्मॉल ई लेटर यूज नहीं करते, मेरी बात ठीक है ना. सो ये फिर पहला फॉर्मूला ये हो गया था हमारा. दूसरा फॉर्मूला है हमारा ई फॉर मिनिमम डेविएशन, दूसरा आर प्लस आर डैस बराबर ये दूसरा फॉर्मूला है ठीक है ना. तीसरा फॉर्मूला हो गया था फॉर दिस मिनिमम I बराबर आई डैस एंड R बराबर आर डैस, ठीक है ना. एंड डेविएशन जब I बराबर आई डैस होगा एंड R बराबर आर डैस होगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम देखें तो आपका लिख सकते हैं कि R प्लस आर डैस देयर फोर इज इक्वल टू 2i plus 2r minus 2r from 1. So i बराबर so del बराबर 2i minus 2r, r का मतलब कितना हुआ a by 2. यहाँ ये कट गया, so i बराबर डेल, इसको मीन ही आप लिखिए ठीक है ना. आई बराबर डेल मीन प्लस ए बाई टू, ये तीसरा आपका फॉर्मूला देखिए. वन हो गया, टू ये हो गया, ये और ये कंडीशन हो गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन. ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ना. अभी क्या है कि
यहाँ से डेविएशन निकालने के लिए दो फॉर्मूला हमने दिया था, पहला दिया था साइन डेल मीन प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू इक्वल टू म्यू, सही है ना, क्लियर है ये फॉर्मूला। लेकिन ये इस्तेमाल ये यूज तब होगा जब आपका वेन ए ईच फाइनाइट लार्ज वैल्यूज, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इट्स, ठीक है ना। लेकिन इसी फॉर्मूला को यदि हम थोड़ा सा आगे देखते हैं तो मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा, ए इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है ना। ये कब यूज होगा, ये तब यूज होगा जब वेन ए इज स्मॉल, मतलब कितना एंगल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, इट इज मतलब लेस देन 10 डिग्री रहे तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि 10 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तब तो मुश्किल है, ऐसा वैल्यू नहीं रहेगा कि जहाँ आप कुछ सोच में पड़ जाए कौन सा यूज करें। अब मान लिया कोई 11 डिग्री दे देगा तो आप सोच में पड़ जाए कौन सा यूज करें, ये या ये, ऐसा वैल्यू नहीं रहेगा। वैल्यू ऐसा रहेगा कि आप खुद ही सोच सकें, जैसे 2 डिग्री हुआ तो आप क्लियर है ये हम ये फॉर्मूला, 4 है क्लियर है। लेकिन यदि 30 है, 45 है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा जिससे आपको पता ही न चल पाए कि भाई रियलिटी में कौन सा फॉर्मूला लेना है। हालांकि रियल फॉर्मूला तो यही है, ये तो अप्रॉक्सीमेट है, तो प्रॉब्लम पढ़ के आपको पता कर लेना है कि भाई हमको अप्रॉक्सीमेट करना है या अप्रॉक्सीमेट नहीं करना है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से ये बातें हुई थी। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आपसे बात करने जा रहे हैं, उस बात को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि वहाँ से सवाल आए भी हैं और आ भी सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा। ये बस लास्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसके बाद स्क्रीन पर ही बात करेंगे लेकिन फेनोमेनन बदल जाएगी घटना, ठीक है ना। अभी हम लोग स्क्रीन को पढ़ रहे हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन का कंडीशन यही है, आई इक्वल टू आई डैश एंड आर इक्वल टू आर डैश। इसी ग्राफ यदि देखा जाए तो इस तरह से ये हमारा डेविएशन, ये है और ये है डेविएशन, ये हमारा डेविएशन। कहां पर ये वैल्यू आया, आई बराबर आई डैश, ठीक है ना, आई का वैल्यू जब आई डैश मिनिमम डेविएशन पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, और ये चार फॉर्मूले जो हेल्प करेगा आपको प्रॉब्लम बनाने में। और इस पर प्रॉब्लम हम आप कितने तरह के आएंगे वो सारा डिस्कशन हो ही चुका है, तो ठीक है देखते हैं। तो आपसे यदि कोई ये सवाल पूछे कि भाई कोई प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है आई दिया हुआ है, मान लीजिए प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ठीक है ना। सो ये जो रे है, ये रे यहां से प्रिज्म एंटर किया, लेट दिस एंगल आई, और ये इस तरह से है, लेट दिस एंगल इज आर,
और यहाँ आने के बाद ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, यहाँ से ये बाहर तो नहीं निकला लेकिन वेज करते हुए आप कर सकते हैं कि बाहर निकला ग्रेजिंग, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग। क्या कहते हैं इसको? ग्रेजिंग, ठीक है ना। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई आई की वैल्यू बताइए, फाइन आई फॉर ग्रेजिंग, बच्चों ऐसे तो मैं सवाल जैसा दिया हूँ लेकिन आप इसको सवाल ना मानते हुए, आप इसको रिजल्ट मानते हुए आपको याद रखें, आप कह सकते हैं कि भाई फाइन, या ऐसे भी पूछा जा सकता है फाइन कंडीशन फाइंड कंडीशन फॉर ग्रेजिंग, ग्रेज करने के लिए कंडीशन क्या होगा, ठीक है ना। ग्रेजिंग का कंडीशन पूछा है, ग्रेजिंग फाइंड द कंडीशन फॉर ग्रेजिंग ऑफ इमर्जेंट। बच्चों जरा देखो तो इसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए आपके हिसाब से। ये तो एंगल देखो, यहाँ पे ये आर आर डैश है और ये जो है वो आई डैश, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि आर डैश की वैल्यू सी के बराबर होगा, इसके बराबर होगा सी के, सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, क्योंकि देखिए ये लाइट बाहर नहीं निकल पा रहा है, जस्ट ब्रिज किया है, ठीक है ना। यदि आर डैश का वैल्यू सी से बड़ा हो जाता तब तो ये रिफ्लेक्ट होता, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस सर्फेस पर आ जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर आर डैश फॉर ग्रेजिंग, तो आर डैश का मतलब सी हुआ, ठीक है ना। दूसरा आपने क्या देखा कि आई डैश का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अब एक काम करो, सरफेस वन पर आप इसने ला यूज करो, सरफेस वन पर आप इसने लो यूज करो, क्या लिखो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है ना। सो यहाँ पर देखो तो आप साइन आई बराबर म्यू साइन आर, तो बच्चों आर के जगह पर क्या लिखे, चूंकि आर प्लस आर डैश बराबर ए होता है तो जानते ही, तो आर बराबर क्या हो गया ए माइनस आर डैश, माइनस सी हो गया आर बराबर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन ए माइनस सी, क्लियर है, ठीक है। सो यहां से सीधा लिख सकते हो, चाहो तो आप सी को हटा लो क्योंकि सी तो दिया हुआ नहीं है, म्यू दिया हुआ है, जैसे जो पैरामीटर है म्यू दिया हुआ है, तो आप सी को हटाना चाहते हो तो साइन ए माइनस बी के फार्मूला पर तोड़ करके और जहाँ साइन सी है उसको वन बाई म्यू लिख लेते हैं, क्योंकि साइन सी इक्वल टू वन बाई म्यू होता है ना, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर। सो नाउ क्या लिखे इसको, म्यू इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन ए, ठीक है। क्या लिखे बच्चों, ये सी है, ये वन है, ये म्यू है, तो ये हो गया म्यू स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर आई बराबर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स साइन
ए इंटू कॉस सी, कॉस सी का मतलब हुआ म्यू स्क्वायर माइनस वन बाई म्यू साइन इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी वन बाई म्यू, ठीक है ना, सही है, ठीक है। सो दिस विल बी द कंडीशन फॉर ग्रेजिंग, ओके। साइन इनवर्स साइन इनटू कॉस, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना, अब आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है एक अलग तरह का फेनोमेनन प्रिज्म, हम जानते हैं जो होता है, मैंने आपको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन सिलेबस में है तो इसको जानना चाहिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली द नेम ऑफ टॉपिक इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। So dispersion of light, ठीक है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां तक समझ रहा हूं कि भाई पहले लोग यही जानते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट पैरामीटर है, बट After the several experiment, after several years, it has been already proved that कि मतलब refractive index is a function of lambda, is a function of lambda, wavelength का function है, ये wavelength का function है मीडियम। So कैसे function है, तो ये भी आप जानना चाहेंगे, तो mu is inversely proportional to 1 by lambda। ये रिजल्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है जो जानना चाहिए कि म्यू जो है वन बाई लेमडा, मतलब लेमडा ज़्यादा होगा तो फिर म्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब एक तरह से आप ध्यान दीजिए कि यदि लेमडा ज़्यादा होगा, इफ लेमडा इज मोर देन म्यू इज लेस, ठीक है। सो ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट डिसाइडेड दैट कि भाई लेमडा किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लेमडा जो है वो रेड का है, रेड का, यहाँ पे ऐसे ही याद रखिए, ये देखिए ये लेटर याद रखिए, भीग गए हो, भीग गए, इधर लैम्डा क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, भी बिगिन हो लेमडा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान दे रहे हैं, लेमडा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं लेमडा बढ़ते जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा जब लेमडा इंक्रीज होगा मतलब भी बिगिन होगा, सर लेमडा इंक्रीज हो रहा है, भी का मतलब होता है वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, ये रेड है, तो सबसे ज्यादा किसका लेमडा होता है, रेड का होता है इन विजिबल रीजन, इन विजिबल रीजन, सही है ना, ये लेमडा इंक्रीज होते जा रहा है, और देखो जब लेमडा इंक्रीज होगा और जब कोई ऐसा लाइट जिसमें ये सातों ऑल फोटॉन्स आर एग्जिस्टेंस किसी में, जैसे मान लीजिए कोई प्रिज्म, ठीक है ना, यही पर बताने जा रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मेन चीज, तो मान लिया ये कोई प्रिज्म है, ये जो प्रिज्म है स्क्रीन में ये कोई लाइट है व्हाइट लाइट, मतलब इसमें सारे फोटॉन्स हैं, ऑल वेवलेंथ फोटॉन्स आर पॉसिबल, ऑल सेवन वेवलेंथ, ऑल सेवन वेवलेंथ, जरूरी नहीं है और इससे ज्यादा वेवलेंथ भी हो सकता है, लेकिन विजुअल रीजन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब सवाल है कि चूंकि वेवलेंथ है सबसे ज्यादा रेड का है, तो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू होता है, म्यू क्या होगा, म्यू डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज जैसे जैसे नीचे आइएगा म्यू डिक्रीजेज, सबका सबसे कम म्यू किसका होगा, आर का होगा, तो जब सबसे कम म्यू आर का होगा तो ये क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस वन होता है एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म का, तो भाई सीधी सी बात है कि म्यू सबसे कम जिसका होगा उसका डेविएशन भी कम होगा, तो सबसे कम होगा तो डेविएशन भी कम होगा, तो म्यू डिक्रीजेस मतलब दिस डिक्रीजेस डेविएशन डिक्रीजेस, तो यदि डेविएशन देखा जाए तो सबसे कम डेविएशन देखा जाए तो डेल्टा भी इज ग्रेटर देन इस तरह से होगा, मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होगा, सबसे कम डेविएशन रेड का होगा, तो यदि हम इसको देखें कि भाई ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पाथ है, जिस पाथ पे ये व्हाइट लाइट जा रहा था, यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो इसी रास्ते से निकल जाता, तो यहां पर जो सबसे कम मिनिमम डेविएशन आएगा वो तो रेड का आएगा, फिर देखिए उसके बाद कौन आएगा, ऑरेंज का आएगा, फिर कौन आएगा, येलो का आएगा, ग्रीन का आएगा, ठीक है, ब्लू का आएगा, इंडिगो का आएगा, वायलेट सही है, मतलब यहां पर देखिए इसका सबसे कम डेविएशन आया है और इसका डेविएशन डेल्टा आर है और इसका डेविएशन डेल्टा वी है, सही है, अब यदि देखा जाए तो सबसे कम डेविएशन जो है वो डेल्टा आर इसका है और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, एक तरह से ये जो घटना है इस घटना को ही हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं, यदि डिस्पर्शन का मतलब कोई पूछे कि डिस्पर्शन क्या है तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं बहुत बेसिक टेंथ क्लास से जानते हैं ये चीज कि डिस्पर्शन जो है एक फिनोमेना है जिसमें लाइट का रेज होता है, कोई व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास तो वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने का मेन वजह होता है डिफरेंट वेवलेंथ, उसमें
फोटॉन्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ के हैं, तो डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स हैं तो फिर उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग हो जाती है और वो रे जो है अलग अलग डिस्पर्शन पर चले जाते हैं। तो डिस्पर्सन का मतलब हुआ कि इन डिस्पर्सन, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम, इन डिस्पर्सन व्हाइट लाइट breaks in its component of different wavelength due to different refractive index of prism। ठीक है ना, ये बड़ा आसान सा चीज है। इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा, उसमें जो सवाल आएंगे वो भी बात होगा, लेकिन अब बेसिक फॉर्मूला पे बात करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला आपको रिकॉल करना पड़ेगा डिस्पर्सन में ताकि आप सवाल को बना सकें। यहाँ से सवाल कमजोर बच्चा भी पकड़ लेता है, इसलिए इसमें ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और इसको कर लेना है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सो सबसे पहले मैं बोर्ड मिटाऊंगा, ठीक है ना। ये मेन फिगर है, इसलिए इस फिगर को रहने देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, व्हाइट लाइट और सेवन वेवलेंथ अवेलेबल है और ये सेवन कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गए हैं। तो यहाँ पर अब जो हम बात करेंगे वो ध्यान से देखिएगा कि भाई ये येलो कलर, देखिए येलो कलर का जो है वो यहाँ तक तीसरे नंबर पर है और नीचे से देखें तो देखिए येलो कलर जो है वो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर है और यहाँ पर देखिए पाँचवें नंबर, ठीक है ना। तो यदि सच पूछा जाए तो बीच में ये ग्रीन हो रहा है, नहीं तीन ऊपर है तीन नीचे है, बीच में ग्रीन है, तो ग्रीन को पाना चाहिए था एवरेज डेविडेंस, लेकिन नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। बच्चे पूछते हैं, ये कंफ्यूजन आती है, इसलिए मैं पहले ही बोलते रहा हूँ कि ये ग्रीन कलर बीच में है तो कहना इस पर एवरेज डेविएशन चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि डेविएशन यूनिफॉर्म पे वेरी नहीं करेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन होता है। कोई जरूरी नहीं है कि रेड का डेविएशन यदि आ रहा है 7 डिग्री तो इसका आएगा 14, इसका 21, ऐसा नहीं होता है। इसका 7 आया तो हो सकता है इसका 9 आ जाए, इसका 13 आ जाए, इसका तो एवरेज डेविएशन जो होता है वो येलो कलर का जो रे होता है उसको एवरेज डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन of yellow component of white light is called average deviation। सही है ना बच्चों, तो average deviation का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला होगा ए इंटू म्यू वाई माइनस वाई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज डेविएशन। क्लियर है, सही है। दूसरी बात, लाइट जो जब यहां से कंपोनेंट जो स्कैटर हो रहा है वो इस रीजन में कहां स्कैटर हो रहा है, ये डिस्पर्सन का रीजन है,
ये जो है इस पर्सन रीजन, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन की यदि कोई बात करे तो ये एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिस्पर्सन। सो एंगल ऑफ डिस्पर्सन कैन बी रिटेन एज द एंगल ऑफ डिस्पर्सन का मतलब हुआ कि दिस इज द दिस एंगल ऑफ डिस्पर्सन। देखिए बराबर क्या लिखे बच्चों, इसको इसको थीटा कह लेते हैं ना। थीटा बराबर बोलो तो डेल्टा भी को लिखते हैं ए इंटू म्यू भी माइनस वन, माइनस ए इंटू म्यू बार माइनस वन, ठीक है। कितना हो जाएगा ये तो कट जाएगा, ये कट तो ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू बार, ये एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला है। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर एंगुलर डिस्पर्सन। सो दो चीजें आप जान गए, दो फॉर्मूला आपके पास आ गया। पहला आ गया एवरेज डेविएशन के लिए फॉर्मूला आ गया, दिस एवरेज डेविएशन इक्वल टू ए इंटू म्यू आई माइनस वन, पहला फॉर्मूला ये आ गया। और दूसरा आ गया एंगुलर डिस्पर्सन के लिए ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आई, ये दो फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। एक आ गया एवरेज डेविएशन के लिए और एक आ गया आपका एंगुलर डिस्पर्सन के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जो पैरामीटर आएगा उस पैरामीटर को समझना है कि क्योंकि वो पैरामीटर बहुत इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के टर्म में ही डिफाइन होता है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड मिटाना चाहूँगा, पावर का सिंबल आप ओमेगा रखिए, ठीक है ना। और डिस्पर्सिव पावर का मतलब हुआ कि एंगुलर डिस्पर्सन, इट इज द एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट एवरेज डेविएशन, इट इज द एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट एवरेज डेविएशन, ठीक है ना। इट इज द एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट एवरेज डेविएशन। सो ओमेगा कैन बी रिटन एज कितना है एंगुलर डिस्पर्सन, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू बाय ए इंटू म्यू वाई माइनस वन, ये कट जाएगा तो आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस वन, ये तीसरा फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ये थर्ड फार्मूला होगा, तो आप एक तरह से देख लीजिए पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला एंड तीसरा फार्मूला इज दिस म्यू भी माइनस म्यू आर
by mu y minus 1. ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। तो ये थर्ड तीन फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सवाल बनाने में मदद करेगा इन तीनों फॉर्मूला को। डिस्पर्शन से रिगार्डिंग ये थ्री फॉर्मूला जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब हम प्रॉब्लम्स पर आएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको तरीका बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको बुलाने का कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर फॉर द क्रोम ग्लास फ्रॉम ए गिवन डेटा मे बी इक्वल टू 1.532। कैलकुलेट प्रॉब्लम है हमारा, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर मतलब ओमेगा, म्यू भी बराबर 1.532 और क्रॉन ग्लास, ठीक है ना, एंड वी आर इक्वल टू 1.514 ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा फॉर ए प्री बेस्ट है, बट फॉर्मूला याद रहेगा तभी ओमेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन कैसे बनाइएगा एक चीज देखिए, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस। तो ये म्यू वी दिया है, म्यू आर दिया है, म्यू वाई का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपको जानना पड़ता है। चूंकि म्यू वाई ई एवरेज एवरेज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है ना। सो म्यू वाई को आप लोग चाहे तो, जब एवरेज डेविएशन है तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि म्यू वाई कैन बी रिटेन म्यू वी प्लस म्यू आर वाई, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप यहां से, देयरफॉर ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर वाई प्लस म्यू आर बाई टू माइनस वन, सही है ना। तो यहाँ पर देखिए तो कि कितना आएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी कितना दिया हुआ है, ये 1.532 माइनस म्यू आर 1.5145 बाई 1.532 प्लस 1.5145 बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1639। सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू राइट द आंसर 0.1639 आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला इस प्रॉब्लम से, एक चीज तो सीखने को मिला कि भाई एवरेज डेविएशन येलो कलर है, तो येलो कलर का जब एवरेज डेविएशन है तो दिस कैन बी रिटन एज म्यू वी प्लस म्यू आर बाय
ये चीज़ आपको सीखने को मिला और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उसको याद रखेंगे ताकि आप प्रॉब्लम को बना सकें, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम बनाया जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम आपका आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लिया एक प्रॉब्लम यहाँ पर मैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी है, डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है प्रॉब्लम बनाने में, तो ध्यान दीजिएगा। फाइंड द डिस्पर्सन प्रोड्यूस बाई ए थीम ट्री ऑफ 18 डिग्री, अभी रेड लाइट 1.56 एंड वायलेट 1.6। सो फाइंड डिस्पर्सन थीम ट्री, थीम ट्री में का मतलब है कि ट्री है जिसका एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ ट्री दिया हुआ है बराबर 18 डिग्री, देखा है ना, सही है ना, क्लियर है। और इसमें म्यू आर एंड म्यू भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है म्यू भी जो दिया हुआ है, ये म्यू 1.56 एंड 1.68 ये म्यू भी दिया हुआ है, ये म्यू आर। तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एंगुलर डिस्पर्शन, सही है ना। देखिए ठीक से, ये प्रिज्म है जिसकी एंगल ऑफ प्रिज्म 18 डिग्री दिया हुआ है, म्यूआर इज 1.56, म्यूआर इज 1.56 एंड म्यू वी इज 1.68। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगा, बना लीजिए एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या लिखिएगा, बोलिए एंगुलर डिस्पर्शन, थीटा कहते हैं ना इसको, तो यहाँ पे थीटा केंद्रीय क्या लिखे, डेल्टा जी माइनस डेल्टा आर, तो कितना आ रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको दिए है ना, एंगुलर डिस्पर्शन के लिए ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, तो ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है ना। सो ए कितना है 18 डिग्री एंड म्यू वी 1.68 माइनस 5.6 करने के बाद आपका आ जाएगा 2.16 आ जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तभी आपका प्रॉब्लम बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे की बात करते हैं। Dear student, there are two important phenomena regarding dispersion of light through a prism, ठीक है ना। इस दो phenomenon को जानना जरूरी है क्योंकि इन दोनों से ही सवाल आते हैं, ये dispersive power निकालने के लिए सवाल बाइबल पूछे पूछने बात अलग है, बट सवाल जो आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। दो तरह का phenomenon होता है, दो तरह का phenomenon कैसे होता है तो वो मैं बताऊँगा। पहला फेनोमेनन का मतलब हुआ कि डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, पहला हुआ कि डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, एंड दूसरा हुआ एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन पहला लिखने जा रहे हैं, डिस्पर्सन विदाउट
एवरेज डेली हिसाब। एक्चुअली ये जो घटना है ये कब होती है, तो वो होती है कि जब कोई क्रीम इस तरह से रखा हुआ है, और ये कोई रे यहाँ, अब रे जो यहाँ पे गया तो यहाँ से सेवन कलर निकलेगा। ये मान लिया ऊपर वाला रे है, इसमें वायलेट है, इस बीच में बहुत सारे हैं, कॉन्सिक्वेंस बहुत सारे हैं। ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर यदि कोई आप क्रीम में इन्वर्टेड रख दे रहे हैं, इस तरह से रख दे, और मान लिया इसका ये एडेप्ट है, क्योंकि जितने भी रे जो है वो जब इस क्रीम पर पड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिस अमाउंट में ये रे जो है वो नीचे की ओर डेविएट हो रहा है, अपना इनिशियल वे जो है वो इस तरह से, तो जिस तरह से रे जो नीचे की ओर डेविएट हुए हैं, सेम ये रे फिर से इसके अंदर जाके ऊपर की ओर डेविएट हो गए, तो ये सब अपने अपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग नीचे डेविएशन लिए हैं, तो ये सारे रे अपने अपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऊपर जाएंगे, तो जितना नीचे रेड मुड़ा है उतना ऊपर जाया जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पर दो तरह की घटना होगी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है कि विदाउट एवरेज डेविएशन, मतलब एवरेज डेविएशन का मतलब कि इस क्लिप के वजह से यदि येलो कलर का एवरेज डेविएशन, येलो कलर का डेविएशन डेल्टा वाई है, तो दूसरे वाले के चलते डेल्टा वाई डैश है, तो ये दोनों बराबर और नो एवरेज डेविएशन, ये कंडीशन। ठीक है ना बच्चों, जब ये कंडीशन होगा तो इस कंडीशन के लिए क्या कंडीशन फॉर दिस विल बी रिटन एज, क्या लिखूंगा, डेल्टा वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इंटू म्यू वाई माइनस वन बराबर ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि म्यू वाई माइनस वन बाई म्यू वाई डैश माइनस वन बराबर ए डैश। इसी तक कंडीशन फॉर नो एवरेज डेविएशन, क्लियर है ना, ये जानना बहुत जरूरी है कि विदाउट एवरेज डेविएशन के लिए ये कंडीशन होगा और इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है ना। सो नो एवरेज डेविएशन का कंडीशन, इस पर सवाल आया भी है एग्जाम में, उस सवाल पर हम बात करेंगे, लेकिन आप पहले ये रिजल्ट बहुत बढ़िया से जान लीजिएगा कि ये कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन देखिए, एक सवाल यहाँ से देखिए, सवाल में देखिए, लेकिन पहले हम डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन बता दे रहे हैं, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन विदाउट एवरेज देखिए, इसको मिटा रहे हैं, डेविएशन विदाउट नो डिवर्स, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू वाई माइनस वन वाई
Bir tüfteliğin Bölgesinin for New average Daily Person. Değil mi? Condition for no average deviation. अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये नो एवरेज डेविएशन है। यहाँ पर दूसरा कट हो सकता है कि डेविएशन एवरेज डेविएशन विदाउट दिस पर्सन, ये दूसरा किस्म सीधा कि पहला जो क्रीज में जितना डिस्पर्शन दिया है, मान लीजिए ये क्रीज में है, ये इसका ए है और ये दूसरा क्रीज है, इसका ये एडेस, तो इस रे के लिए जितना भी कमी कर आएगी विदाउट डिस्पर्शन, मतलब ये एवरेज डेविएशन तो होगा जब सेकंड क्रीज से नीचे निकलेगा, तो यहाँ सेकंड नहीं, यहाँ वन ही निकलेगा, वो नहीं निकला, डिस्पर्सन नहीं हुआ, मतलब ओनली व्हाइट लाइट, यहां से व्हाइट लाइट निकल रहा है अदरवाइज, और यहां भी व्हाइट लाइट, मतलब यहां व्हाइट लाइट क्यों, नो डिस्पर्सन। इसका मतलब कि जितना डिस्पर्स ये किया है पहला और आपने उतना ही सेम डिस्पर्शन उधर कर दिया है, मतलब कि थीटा यू कैन से दैट कि थीटा बराबर थीटा डैस, ये डिस्पर्शन वाई क्रीज में, मतलब डिस्पर्शन वाई क्रीज वन है, ये टू है, वन डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाई क्रीम टू, सही है ना। तो क्या लिखे बच्चों, थीटा बराबर थीटा डैश, तो डिस्पर्शन के लिए क्या होता है तुम्हारा, ए इंटू मी वी माइनस मी वन, सो ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर बराबर ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब यहां पर यदि हम एक काम करें, एक काम करते हैं, आप चाहे तो यहाँ एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ म्यू वाई माइनस वन से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ म्यू वाई माइनस वन से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर म्यू वाई डैश माइनस वन से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई, दिक्कत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा सिमेट्रिकल केस हम लेने जा रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा ये म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू माइनस, ये हो जाएगा ओमेगा, क्या हो जाएगा ओमेगा, मतलब डिस्पर्सिव पावर ऑफ थ्री वन, और ये ए इंटू म्यू आई माइनस वन, ये क्या हो जाएगा डेविएशन हो जाएगा, इसका ये एवरेज डेविएशन एल वाई नहीं। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ओमेगा बाई ओमेगा डैस, ओमेगा यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे हम ओमेगा बाई ओमेगा डैस बराबर, ये ओमेगा है और ये ओमेगा डैस, ठीक है ना। तो ओमेगा बाई ओमेगा डैस कैन बी रिटन एच ए म्यूडस, जहाँ एडेस हो जाएगा एडेस है, ठीक है ना,
So a dash mu y dash minus 1. A dash mu y dash minus 1 by A mu y minus 1. This is the condition for no dispersion. This is the condition for no dispersion with average deviation. ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए आपका. ठीक है ना, ये आपका क्लियर होना चाहिए. राइट है. फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा बराबर डेल्टा डैश, डेल्टा बराबर डेल्टा डैश इनटू वन माइनस ओमेगा वन ओमेगा डैश, ऐसे भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो ठीक है ना ऐसे. और नो डिस्पर्सन ऑफ फॉर नो डिस्पर्सन विद एवरेज यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको आप डेल्टा डैश लिख सकते हैं और इसको डेल्टा लिख सकते हैं. वन माइनस क्यों होगा ये देखना है ना. ठीक है, यू डैश माइनस वन. ठीक है, नो एवरेज डेविएशन म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बराबर म्यू बी ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर बराबर ए डैश इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर. ठीक है ना, बराबर ए बराबर म्यू बी माइनस म्यू आर, क्योंकि this will be the very clear. This result is valid for
नोटिस कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम देखिए। ये रिजल्ट याद है, प्रॉब्लम है हमारा कि टू थीन प्रिज्म आर कंबाइंड टू फॉर्म एंड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन फॉर ग्लास फॉर प्रिज्म इज बराबर टू प्रिज्म।